का। इसका बेनिफिट होता है जब मशीन आपकी एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज चलती है तो ये पानी का धो रहे हो या हैवी धो रहे हो तो अभी हमें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रही इसकी ड्रेन सेलेक्टर की बात, मान लीजिए आपने कपड़े धो रहे, फिल्टर में क्या होता है जो भी फिजिकल डस्ट होती है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पहले आते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। आज मैं आपको सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक 7 kg का डेमो दूंगा। मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। 5-star रेटिंग की मशीन है। मैं इसके कुछ यूनिक फीचर बताऊंगा जो कि आपके बेसिक फीचर्स में आते हैं। आप देखिए ये 7 kg की मशीन है, तो इसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसका ये जो डोर होता है वो आपका हैंगिंग डोर होता है, यानी अगर आप कपड़े ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप डोर साइड में लगा के इसमें कपड़े ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसके ड्रम के अंदर की बात करूं तो इसके ड्रम में आप देख रहे होंगे, इसके ड्रम में आपके 4 wheels दे रखे हैं इस टाइप के। ये देखिए चार विंग्स दे रखे और 4 rollers दे रखे हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है 4 wings और 4 roller का? इसका बेनिफिट होता है जब मशीन आपकी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज चलती है तो ये पानी का वेव बनाते हैं और ये पानी का ब्लोअर बनाते हैं, यानी जब ये कपड़ों को ऊपर, जब ये पानी को तैरता ऊपर लहराता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपके कपड़े ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से जो कपड़े होते हैं आपके अच्छी तरह पटकते हैं, जिसकी वॉशिंग क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर मैं इसके फिल्टर की बात करूं तो आप साइड में देख रहे होंगे इसमें ये लिंट फिल्टर है। ये वाला लिंट फिल्टर में क्या होता है जो भी फिजिकल डस्ट होती है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पहले आते थे कपड़े वाले फिल्टर, बट इन्होंने इस बार क्या दे रखा है, इस बार इन्होंने बड़ा बिग लिंट फिल्टर दे रखा है जो कि फिजिकल डस्ट वगैरह जितनी भी होती है, फिजिकल डस्ट या रेसे वगैरह, वो सब इस लिंट फिल्टर में कैच होता है। अगर मैं पानी के लेवल की बात करूं तो यहाँ पे पानी का लेवल शो होता है कि पानी का लेवल कितना है। अगर इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइड में डक्ट टाइप का दे रखा है, ये दे रखा है डक्ट। इसमें क्या होता है जब ये मशीन क्लॉक और एंटी क्लॉक वॉश करती है तो यहाँ से पानी का फ्लो निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके कपड़ों में पानी डायरेक्टली स्प्रे होता है, ठीक है जी। अगर मैं इसके ड्रायर की बात करूं तो ड्रायर आप यहाँ पे देखिए, ये इसका ड्रायर है। ड्रायर में क्या होता है, ये इसका ड्रायर है, जैसे कि आपने यहाँ से वॉश, यहाँ से आपने कपड़े उठा के डायरेक्टली यहाँ डाले तो ये ड्रायर है इसका। ये ड्रायर भी काफी इसका बड़ा है जो कि होल्स इसमें काफी अच्छे से अच्छे है जो कि प्रॉपर तरीके से एयर थ्रो करता है। ये होता है इसका एयर थ्रो के लिए, जो आप इसमें देख रहे हैं गैपिंग। तो इसमें क्या होता है जब ये ड्रायर चलता है तो यहाँ से एयर पास होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर जनरेट नहीं हो रहती है नीचे। अगर इसकी बॉडी की बात करूं तो टोटली फाइबर बॉडी है जो कि रेट मैट फ्री होती है प्लस रस्ट प्रूफ होती है। अगर मैं इसके ऊपर पैनल की बात करूं तो इसके पैनल में आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 बटन है। 4 बटन में क्या क्या दे रखा है, एक तो पहला दे रखा है वॉश सेलेक्टर। वॉश सेलेक्टर में क्या होता है, अगर आप कभी वॉश कर रहे हो तो आप वॉश पे लगा दीजिए, अगर आपको खाली स्पिनिंग करनी है तो आप स्पिनिंग पे लगा दीजिए। पहला इसका जो टाइमर वाला ऑप्शन है वॉश टाइमर का है, मान लो आपको कितने मिनट की टाइमिंग का वॉश करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। वॉश सेलेक्टर में क्या होता है, कैसे आप कपड़े धो रहे हो, नॉर्मल धो रहे हो, जेंटल धो रहे हो या हैवी धो रहे हो, तो वो अभी हमें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रही इसकी ड्रेन सेलेक्टर की बात, मान लीजिए आपने कपड़े धो रखे उसमें आपको दोबारा से पानी को पूरा ड्रेन आउट करना है जो गंदा पानी है, तो आप उसको यहाँ से भी ड्रेन आउट कर सकते हो पूरा का पूरा पानी। और ये होता है स्पिन सेलेक्टर। स्पिन सेलेक्टर में क्या होता है जो इसके कपड़े सुखाने की पावर होती है वो होता है स्पिन सेलेक्टर, यानी टाइम आपको कितने मिनट का स्पिनिंग करनी है तो आपका सारा यहाँ पे सेट होता है, 10 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट की, ये ऑटोमेटिकली ऐसे कट ऑफ हो जाती है। अगर मैं इसकी वोल्टेज या पावर की बात करूं तो इसके बैक साइड में देखिए आप, ये देखिए ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, WT70M 3200 HB। अगर मैं इनका वॉश का वोल्टेज होता है जो इसका वॉशर वाला होता है वो 460 वॉट का होता है, और जो इसका स्पिनर का वॉट होता है वो आपका 160 वॉट का होता है। इसमें अगर बैक साइड से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कवर्ड है जो कि रेटमेट फ्री होता है, प्लस ये ड्रेन आउट का ऑप्शन होता है, ये इसकी वायर होती है नॉर्मल वाली, ठीक है जी। अगर आप पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ऊपर ब्लू कलर का इसका कलर है ढक्कन का, और नीचे का ग्रे का है, और बीच में आपका हल्का व्हाइट कलर है जो कि ग्रे कलर माना जाता है। और अगर वारंटी की बात करूँ तो 2 साल की इसमें टोटल वारंटी आती है और 5 साल की इसकी मोटर की वारंटी आती है। तो सो मैंने आज आपको 7 kg सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बताया है। आपको डेमो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।